नासिक में भारी बारिश से खतरा, गोदावरी नदी उफान पर, लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। कई मंदिरों में घुसा बाढ़ का पानी, आधे से ज्यादा डूबे मंदिर, बाकी मंदिरों को भी खतरा बढ़ा। शहर के बीच से गुजर रही है नदी, आसपास के इलाकों को भी खतरा। वलसाड में भी भारी बारिश, एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। वलसाड में कई लोग फंसे, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। विदिशा में देर रात से मूसलाधार बारिश का दौर जारी, एक सवारी ऑटो भी पानी में बहा। लोगों के घरों में, दुकानों में पानी भर गया है, कंधों पर बैठाकर बच्चों को निकाला गया बाहर। जलभराव से विदिशा में हालात बेहद खराब, रात भर जागते रहे लोग। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में भी भारी बारिश, स्कूल के बच्चों को रेस्क्यू किया गया। नर्मदा नदी पर बना गरुड़ेश्वर डैम ओवरफ्लो, पास के इलाकों को खतरा। ईटानगर में जबरदस्त लैंडस्लाइड, असम जाने वाला हाईवे बंद। ईटानगर में आवाजाही में भारी दिक्कत, सड़कों पर मलबा आया। भोपाल में रात भर से जारी है बारिश का दौर, कई इलाकों में 3 इंच तक बारिश। भोपाल के शाहपुरा में भी जबरदस्त जल जमाव, लबालब झील का पानी सड़कों पर छलक रहा है। खरगोन में बाढ़ के पानी में फंसा बाइक सवार, किसी तरह बची उसकी जान। कुछ घंटों की बारिश में गुजरात का हाल बेहाल, अब तक 61 लोगों की मौत, सैकड़ों जानवरों ने भी दम तोड़ा। तोड़ा झील में तब्दील हुआ है अहमदाबाद। अहमदाबाद में हर तरफ पानी ही पानी है, मकान दुकान सड़कें सब डूबी, जहां तहां फंसे लोग। खरीदारी करने निकले लोगों का सड़क पर जल भराव की वजह से उनको परेशानी, सामान के साथ बच्चों को भी ट्रॉली में बिठाने की नौबत आई। अहमदाबाद की सोसाइटीज का बुरा हाल, बेसमेंट में भरा पानी, दरिया जैसा मंजर दिखा। बेसमेंट में खड़ी गाड़ियां, दोपहिया वाहन सब पानी में डूबे, बड़ा नुकसान हुआ। अहमदाबाद के करीब दमन गंगा नदी उफान पर, 1.5 लाख क्यूसिक पानी छोड़ने से हालात और बिगड़े। नवसारी में नदी नालों में उफान, अंबिका नदी की तेज धारा में बेकाबू हुआ स्टीमर, पुल से हुई स्टीमर की टक्कर गनीमत रही कि पुल को नुकसान नहीं पहुंचा। पुल से टकराने के बाद स्टीमर पलट गया और पुल के निचले हिस्से में जा फंसा। पुल की ऊपरी सतह को थोड़ी क्षति हुई है, अंबिका नदी की जलधारा में स्टीमर दिखा बहता। गुजरात के नर्मदा में सैलाब का कहर, रेस्क्यू मिशन में जुटा पुलिस दस्ता, लोगों को रस्सी के सहारे बाहर से बाहर निकाला गया। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में तैरता सा नजर आया बलसाड, हर तरफ दिखा पानी ही पानी। अवैध खनन पर भी टूटा कुदरत का कहर, बलसाड में नदी के किनारे फंसी दिखी जेसीबी। भारी बारिश से गुजरात के छोटा उदयपुर में बदतर हुए हालात, बोडीली में सड़कों पर चल रहे नाव, सड़कों में पानी भरा हुआ है, मकान डूबे। बोडीली में सबसे ज्यादा टूटा बारिश का कहर, जनजीवन अस्त व्यस्त, 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया, मिशन जारी है। गुजरात के तापी में सैलाब का कहर, पुल हुआ क्षतिग्रस्त। गुजरात के नदियाद में 6 घंटे में 5 इंच की बारिश से आफत आई, जल भराव, 48 घंटे में और बारिश का अनुमान है। कर्नाटक के मांडिया में भी जबरदस्त बारिश के बाद बांध की क्षमता के साथ से ज्यादा पानी भरा, निकासी के लिए सारे गेट खोले गए। कांगड़ा में उफान पर है चंबी नदी, नदी में अचानक आए उफान में एक ट्रैक्टर फंसा, बाद में गांव वालों ने मुश्किल से निकाला बाहर। हिमाचल के चंबा में फटा बादल, धारा का दिखा तेज प्रवाह। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ जाने वाले रास्ते पर फ्लैश फ्लड आया, सड़क का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त, वाहन फंसे। बद्रीनाथ हाईवे को भूस्खलन के बाद से साफ किया जा रहा, मलबा हटाने का काम जारी है, यात्रा फिर शुरू। पुणे के भीमाशंकर इलाके में लैंडस्लाइड, सड़क मलबे की चपेट में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद भवन के पास नए अशोक स्तंभ का किया अनावरण, संसद भवन का हिस्सा है ये स्तंभ। संसद भवन को भव्यता देगा स्तंभ, प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना भी की।
स्पीकर ओम बिरला भी साथ रहे मौजूद। ओवैसी का ट्वीट, अनावरण पीएम को नहीं करना चाहिए था, यह जिम्मेदारी स्पीकर की। दो दिन के बाद आखिर फिर शुरू हुई अमरनाथ यात्रा, पहलगाम कैंप से आगे बढ़े यात्री। अभी मैं जोश उल्लास की देखने की बात थी। महाराष्ट्र में बागी विधायकों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी कार्रवाई पर लगाई रोक, सभी पक्षों को सुनकर कोर्ट करेगा फैसला। सिबल ने उद्धव गुट की तरफ से जल्द सुनवाई की गुजारिश की थी, कोर्ट ने कल मामला सुनने से इनकार किया। महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरि सीताराम जिंदवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, शिंदे खेमे के नोटिस का विरोध किया। डिप्टी स्पीकर ने कहा, शिवसेना के 39 विधायकों का पार्टी छोड़ने का नोटिस एक असत्यापित मेल से आया, इसलिए उसे खारिज किया। डिप्टी स्पीकर जिंदवाल ने किया सवाल, शिंदे गुट अगर 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दे सकता है तो 48 घंटे में 16 विधायकों को नोटिस का जवाब क्यों नहीं दे सकता। चेन्नई में AIADMK पार्टी में वर्चुअल जनरल काउंसिल की बैठक में आज हंगामा, कुछ जगहों पर पथराव, पनीर सेल्वम को पार्टी से निकाला गया। के पलानी समय गुट चाहता है दोहरा नेतृत्व की व्यवस्था खत्म हो, ओ पनीर सेल्वम गुट चाहता है कि बरकरार रहे यही सिस्टम, जनरल काउंसिल में EPS को अस्थायी जनरल सेक्रेटरी बनाया। चेन्नई में पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर दोनों गुटों में जबरदस्त भिड़ंत, पुलिस की हालात पर नजर। झड़प में पनीर सेल्वम के समर्थक घायल, अस्पताल ले जाए गए। OPS के समर्थकों ने भी पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ की, दफ्तर को पुलिस ने सील किया। श्रीलंका में संकट का असर, श्रीलंका में तंगी और आंदोलन के बीच पर्यटकों ने देश छोड़ा। लग्जरी होटल भी खाली हुए, होटलों में 10% ऑक्यूपेंसी भी नहीं। बड़े बड़े होटल वॉकिंग डे में कर रहे हैं कटौती, नहीं सुलझ रहा है सियासी संकट। कल तक सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे लोग, अब प्रधानमंत्री आवास की कर रहे हैं सफाई, इसी घर पर किया था कब्जा, बोले ये देश की संपत्ति, इसकी रक्षा करेंगे। श्रीलंका में संकट बरकरार, कोलंबो में राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा। श्रीलंका के सेना प्रमुख ने लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील, एक और कैबिनेट मंत्री ने दिया इस्तीफा। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों का नया वीडियो आया सामने, प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करता नजर आए सुरक्षा बलों के जवान। कोलंबो में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को खरी खोटी सुनाई, साथ ही साथ बुरी तरह पीटा, कई लोग जख्मी। श्रीलंका के पीएम के प्राइवेट आवास पर आगजनी का मामला गरमाया, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में बिजली होगी महंगी, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग यानी कि DERC ने पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट को मंजूरी दी, केजरीवाल बोले जनता पर नहीं पड़ने देंगे असर। राजधानी के अलग अलग इलाकों में 2 से लेकर 6% कीमतों में बढ़ोतरी होगी, BACS यमुना इलाके में 6% महंगी होगी बिजली। BACS राजधानी में 4% महंगी होगी बिजली, टाटा पावर के इलाके में 2% होगा इजाफा, बढ़ी दरें 10 जून से लागू होंगी। देश में कोरोना के 16,600 नए केस, 8% से ज्यादा की बढ़ोतरी। योगी का टैटू बनवाने वाले मुस्लिम समर्थक युवक को धमकी, मस्जिद आने पर जान से मारने की धमकी मिली। विजय माल्या को 4 महीने की सजा, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई सजा, कोर्ट का अवमानना कानून। विदेश में ट्रांसफर किए $40 मिलियन, 4 हफ्ते में चुकाने का भी आदेश। NDA के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पहुंचे देहरादून, चुनाव के लिए मांगा समर्थन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया आबादी स्थिरता पखवाड़ा, कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। सियालदह मेट्रो के उद्घाटन का कार्ड मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देरी से मिलने पर TMC भड़की, कार्ड पर नाम नहीं होने को लेकर भी विवाद। कानपुर में भैंस के कुएं को बच्चों को बचाने के लिए 3 लोगों की यहां पर जान चले गई, कुएं में एक बच्चा गिरा था। मुंबई लोकल ट्रेन में जानलेवा स्टंट करता दिखाई दिया एक लड़का, वीडियो वायरल। 12 में बेटे ने पिता की हत्या कर दी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। पाली में रिहायशी इलाकों में पहुंचा मगरमच्छ का बच्चा, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया।
जोधपुर में सीआरपीएफ जवान ने अपने परिवार को कमरे में बंद किया, खुद भी कमरे में खुद को बंद किया और 18 घंटों के बाद खुद को गोली मारी। जवान सीआरपीएफ के आईजी से बात करने पर अड़ा था। आईजी दिल्ली से जोधपुर पहुंचे लेकिन जवान नहीं माना, खुद को मारी गोली। बरेली में मुस्लिम लड़के ने खुद को हिंदू बताकर लड़की से शादी की, रास खुलने पर लड़की की पिटाई की। फतेहपुर में मुस्लिम लड़के ने अगवा करने के बाद लड़की का धर्म परिवर्तन करा, जबरन निकाह किया। पाली में घर में फटा सिलेंडर, छत के पर खच्चे उड़े। पीलीभीत में एक बारात में बत्ती गुल डंडा चालू का शिकार हुआ एक दूल्हा। लाइट कटने पर हंगामा कर रहे बारातियों और दूल्हे की हुई पिटाई, शिकायत लेकर पहुंचा थाने। अमृतसर में आज कोर्ट में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पेशी, भारी सुरक्षा बलों के तैनाती के बीच में पेशी। यूपी में गोरखपुर के रघुनाथपुर गांव में महिला प्रधान को मारी गई गोली, मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाई गई महिला प्रधान, आरोपी गिरफ्तारी की मांग। बांदा के कलेक्टर पूर्वा में दो पक्षों में जमकर मारपीट, चार लोग जख्मी। रांची में शिवालिक होटल में ठहरे पिता पुत्र की चाकू घोंप कर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पुलिस जुटा रही है सुराग। प्रयागराज के श्रृंगवईपुर में बदमाशों ने कार सवारों पर चलाई गोली, एक कार सवार की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, चुनावी रंजिश में वारदात। यूपी के गाजीपुर में तलाकशुदा शिक्षिका का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव, तफ्तीश में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने हाईवे पर लगाया जाम, छात्रों से लगातार हो रही लूटपाट और मारपीट, इसको मुद्दा बनाया। बर्धमान के खगरागढ़ इलाके में जहरीली शराब पीने से दो और लोगों की मौत, पहले पांच लोगों की जहरीली शराब से गई थी जान। धर्मशाला में एक तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रहे वाहन को मारी टक्कर, गनीमत रही कि हादसे में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। तेज रफ्तार कार सामने से आ रहे वाहन से टकराने के बाद फुटपाथ पर खड़ी गाड़ी पर भी टकराई, रफ्तार ज्यादा होने की वजह से ड्राइवर ने नियंत्रण खोया। पंजाब के होशियारपुर में रिहायशी इलाकों में घुसा तेंदुआ, 10 घंटे की मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़कर वन विभाग की टीम ले गई। छिंदवाड़ा में एक प्रचार वाहन पलटा, एक बच्चे को की मौत हो गई है, 8 घायल। नोएडा में शराब पार्टी करते 10 विदेशी नागरिक गिरफ्तार हो गए, पुलिस वीजा की जांच में जुटी है।